खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPBSC में। और हम लोग देख रहे हैं अभ्यास श्रृंखला। अभ्यास श्रृंखला में बेसिकली हम लोग देखते हैं जो MPBSC के द्वारा पुराने पेपर सॉल्व किए जाते हैं, पुराने पेपर आयोजित कराए जाते हैं, उन्हें ही हम डिस्कस करते हैं। और इन सभी पेपर्स में जो आंसर टिक किए गए हैं, वो सभी आंसर MPBSC के द्वारा ही जो आंसर की दी जाती है, फाइनल आंसर की, उससे लिए जाते हैं। तो आज का जो अभ्यास श्रृंखला का है वो 11वां वीडियो आपके सामने है, और संबंधित जो पेपर है वो ADPO का है, ADPO 2021 का, जो कि पेपर हाल ही में आयोजित किया गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है अभ्यास श्रृंखला की MPBSC ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो आप उसमें जाकर सभी जो पिछले 10 वीडियो हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। आगामी जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार होगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीद है कुछ अच्छा करने की। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीद को बनाए रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी SSL क्या है? SSL जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है? तो प्रमुख इकाई कौन सी है? CDEC है। CDEC जो है वो प्रमुख इकाई है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब CDEC का फुल फॉर्म देखें, CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पुणे में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पूछा जा रहा है कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं बताना है। डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसे हम क्या बोलते हैं, DOS बोलते हैं, ये तो है। फिशिंग भी है, स्पैमिंग भी है, जबकि क्रिप्टोग्राफी नहीं है। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? कौन सा सीधे आर्टिफिशियल AI से संबंधित नहीं है? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये तो संबंधित है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये भी संबंधित है। न्यूट्रल नेटवर्क, ये भी संबंधित है। जबकि कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ये सामान्य चीज़ है, तो ये संबंधित नहीं है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब AI के जनक किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी जी जो हैं उन्हें हम AI का जनक कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत, पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? अब यहाँ पे आपके विकल्प क्या हैं कि नॉलेज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, डिजी सिस्टम, स्वयं और दर्पण। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है स्वयं। विकल्प सी सही उत्तर होगा कि शिक्षा के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, पहुँच, समानता और गुणवत्ता, उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वयं नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। अब स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना, SWAYAM, स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पेगासस एक उदाहरण है। पेगासस एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो पेगासस क्या था? एक स्पाईवेयर था पेगासस। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी की रेंज कौन सी है? तो संबंधित विकल्प में जो सी विकल्प है, 6 GHz से ज़्यादा, यह हमारा सही उत्तर होगा। 6 GHz से ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, वही 5G नेटवर्क को एक्सेप्ट करती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, भारत का अपना क्लाउड कंप्यूटिंग, उसका नाम क्या है? मेघराज है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इसमें से है? तो फेसबुक ये भी है, कोरा ये नहीं है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। इसमें MPBSC के द्वारा ये चारों उत्तर सही माने गए हैं, तीनों उत्तर AC और D। विकल्प बी बस हमारा गलत है, तो इसमें विकल्प AC और D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि हम देखें कि जो फेसबुक है उसकी स्थापना कब की गई, 2004 में की गई, इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में की गई, और वहीं पर हम देखें तो ट्विटर की स्थापना कब की गई, 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो डिजिटल जो हस्ताक्षर, उसको वैधानिक स्वीकृति दी गई है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।
आईटी एक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। आईटी एक्ट कब आया था ये? तो ये आया था 2000 में। आईटी एक्ट 2000 के तहत हम डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक मानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 आधार पर सब प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो जो इस समय जब प्रश्न पूछा गया था उसमें सही उत्तर क्या था इसका? 63,345। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 65,023। संभवतः ये है हमारी प्रति व्यक्ति आय अभी वर्तमान की है ना, 2023 की। तो आप इसे एक बार चेक जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? राज्य विधानमंडल के प्रावधान की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल की बात की गई है। वहीं यदि हम आर्टिकल 169 देखें तो वहाँ पर विधान परिषद के निर्माण और अवसान की बात की गई है। 170 में विधानसभा की बात की गई जिसमें बताया गया है कि इसकी मैक्सिमम जो सीट है वह 500 हो सकती है और मिनिमम सीट हो सकती है 60। अगला प्रश्न कहता है कि आकांक्षी विकास प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया? तो आकांक्षी विकास जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। और कब हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था। कब पारित किया गया? तो 24 अप्रैल 1993। भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में भी 243A से 243O तक जोड़ा गया और इसमें लगभग 29 विषय शामिल किए गए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो उसका लगभग 32% हिस्सा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियाँ हस्तांतरित करना। मतलब जो शक्ति होती है उसे हम जो स्थानीय क्षेत्र हैं, स्थानीय जो अपने संस्थाएं हैं उनमें हम उन शक्तियों को बंटवारा कर दें। अगला प्रश्न कहता है किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड के रूप में देखा जाता है? किसे देखा जाता है? तो गेहूं को नहीं, चावल भी नहीं, मिलेट्स। मिलेट्स मोटा अनाज जो होता है उसे हम सामान्यतः सुपर फूड उत्तम खाद्य कहते हैं। अब सुपर फूड जो उत्तम खाद्य है मिलेट्स, तो मिलेट्स ईयर जो है किसे घोषित किया गया है? ये 2023 को किया गया है। लहरी बाई जो है तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लहरी बाई कहाँ की है? डिंडोरी की हैं। और मक्का जो है तो इसमें शामिल नहीं, या विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि उज्जवन जनजाति संस्कार किससे संबंधित है? तो उज्जवन जो जनजाति संस्कार है वो जन्म है क्या? नहीं। विवाह भी नहीं है। नामकरण है? नहीं। यह दाह संस्कार संबंधित होता है उज्जवन जनजाति संस्कार। इस बार जनजातियाँ आपके सिलेबस में अलग से जोड़ी गई हैं तो संभवतः कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएँ जरूर हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001 और 11 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि की दर की यदि हम बात करते हैं तो ये रही है 20.3%। वहीं पे हम भारत की बात करें तो कितनी रही? 17.72% रही है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 155 आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? कौन सा प्रमुख कोयला क्षेत्र? जोहिला, गुरमुंडा, पाथाखेड़ा। तो यहाँ पे जो है तो सुहागपुर जो है वह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। और ये कहाँ है? तो यह है शहडोल में। जोहिला भी कोयला क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात की जा रही है तो हमारा सही उत्तर आयोग ने बी सुहागपुर माना है। अगला प्रश्न है धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो धसान और बीना जो है वह बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब बेतवा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो हलाली नदी इसकी सहायक नदी है। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम बेतरवती है। और इसका यदि उद्गम देखें तो कुम्हरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ये 3-4 फैक्ट और आपको यहाँ पे जानने होंगे। अगला प्रश्न है बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बाणसागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो विकल्प में जब आप देखें तो वहाँ पर क्या दे रहा है? टोंस नदी, बरगी नदी, तवा नदी, पेंच नदी। इन किसी भी नदियों में बाणसागर जल विद्युत परियोजना संबंधित नहीं है। ये कहाँ अवस्थित है? तो यह सोन नदी में अवस्थित है, शहडोल जिले में। और शहडोल जिले का एक स्थान है देवलों, तो वहाँ पर यह अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम औसत वर्षा होती कहाँ पे? भिंड में होती है। और सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ये होती है पचमढ़ी में, लगभग 199 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है यहाँ पे? ज्वारी ऊर्जा, ये तो भाई नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है।
सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन डोलोमाइट जो है ये नहीं है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? जुलाई अगस्त? नहीं भाई, इसमें बरसात होती है। अक्टूबर नवंबर? नहीं भाई, ठंडी होती है। नवंबर दिसंबर? ठंडी होती है। तो बचता है केवल एक विकल्प, विकल्प बी, सितंबर और अक्टूबर। इस समय क्या कहते हैं इसे? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? यह अवस्थित है चचई में, चचाई माफ करिएगा, सारणी में यह अवस्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये बैतूल में है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए आसान सा प्रश्न है, ये मालवा का प्रदेश है, यह प्रसिद्ध है काली मिट्टी के लिए। और यह प्रदेश में लगभग 28% बघेलखंड का पठार, लगभग 7% और रीवा का पठार, लगभग 10.37% भाग पर विस्तृत है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर हम देखें जैसे, तो बॉक्साइट अनूपपुर मिलता है, सही है। तांबा बालाघाट में मिलता है, ये भी सही है। हीरा पन्ना मिलता है, ये भी सही है। लेकिन मैग्नीज दमोह में नहीं मिलता है। मैग्नीज कहाँ मिलता है? भारवेली बालाघाट में मिलता है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो श्रेणी का नाम है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है वह सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर अवस्थित है, आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोरबाचोव का हाल ही में किस आयु में निधन हुआ है? एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर देखने को मिलते हैं, परेशान नहीं होना है। इसका सही उत्तर क्या है? 91 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने में, लुसाने लुसाने जो भी कहें इसे। और ये कब स्थापित किया गया? तो ये 1894 में किया गया। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो जन्मदाता हैं, जो जनक माने जाते हैं ओलंपिक के, ये कौन है? पियरे डे कोबर्टिन है इसके जनक। अगला प्रश्न है, यूसीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो शिक्षा सलाहकार के रूप में यह उत्तर प्रदेश के में इन्हें नियुक्त किया गया है, शिक्षा सलाहकार के रूप में प्रोफेसर डीपी सिंह जी को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मिथाली राज को। ये क्रिकेट खेलती हैं ना, महिला क्रिकेटर हैं ये। अगला प्रश्न है, मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केन्या में स्थित है, लेकिन इसे आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। और अब जो खेल पुरस्कार है उनका नाम भी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? कितनी प्रसूति सहायता दी जाती है? तो अधिकतम 2 जीवित जन पर, 2 से ज़्यादा यदि बच्चे होंगे तो यह लाभ नहीं दिया जाएगा, तो अधिकतम 2 पर यह लाभ दिया जाता है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संगई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? संगई त्यौहार यह मणिपुर में मनाया जाता है, संगई त्यौहार, ये भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश सिकल सेल एनीमिया का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल थैलेसीमिया का प्रसार और हीमोग्लोबिनोपैथीज का प्रसार, तो ये सभी का प्रसार करना, मतलब विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा टारगेट किया गया है 2047 तक इसे समाप्त करने का। शुरू कहाँ से किया गया? तो यह शुरू किया गया था शहडोल जिले से। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? अग्निवीर जो हैं उनकी जो आयु वर्ग सीमा है वह है 17.5 से 23 वर्ष तक। विकल्प सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है? परिक्रमा ये है, तिलिस्म भी है, दूसरी तरह भी है, लेकिन युगचरण इनकी रचना नहीं है। युगचरण किसकी रचना है? यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? तो अबुल फजल ने जो है तो चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो लोहे की जब भी बात करें जनजाति की, तो अगरिया जनजाति ही लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर शाखा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न कहता है कि आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? वान्या। वान्या जो है तो प्रमुख रेडियो है सामुदायिक रेडियो के रूप में,
आदिवासियों की बोलियों और संवाद को करने के लिए काम कर रहा है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो जाम नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ है? तो यह गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले में होता है। कहाँ होता है? तो ये जाम नदी के किनारे होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा छिंदवाड़ा नदी की, छिंदवाड़ा जो शहर है उसकी जीवन रेखा किसे कहते हैं? उसकी जीवन रेखा कहा जाता है कुलबेहरा नदी को, कुलबेहरा नदी को, ठीक है। यहाँ पे चंदन नदी भी है छिंदवाड़ा में, शायद बालाघाट में, सॉरी वो है ना। अगला प्रश्न, अवध किशोर जाड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो अवध किशोर जाड़िया, उनका संबंध है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से। ये छतरपुर से संबंधित हैं और इन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मादर और दफड़ा का संबंध किससे है? तो मादर और दफड़ा का जो संबंध है वह वाद्य यंत्र से है। यह एक जनजातीय वाद्य यंत्र हैं जिनका नाम है मादर और दफड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है राय नृत्य का पद्मावत ग्रंथ में। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। अगला प्रश्न कहता है, अंतिम प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था किसने? दंती दुर्ग ने कराया था। तो इस तरह से हम लोगों ने ADPO का जो पेपर हुआ था उससे संबंधित 50 क्वेश्चन, जो कि MP संबंधित रहते हैं, करंट संबंधित रहते हैं, साथ ही साथ जो अपना कंप्यूटर का जो पेपर होता है, कंप्यूटर जो यूनिट है 9th यूनिट, उससे संबंधित रहता है। तो 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सहायता करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपने इसे अंतिम तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश की बिना जयजयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।